नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि पेंशन का स्टेटस कैसे चेक करें। जैसा दोस्तों आप जो है बिना किसी ओटीपी के ही अपना पेंशन का स्टेटस बहुत ही आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से ही। तो दोस्तों अपना पेंशन का स्टेटस चेक करने के लिए आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। चाहे आपका पेंशन वृद्धावस्था पेंशन हो और चाहे निराश्रित महिला पेंशन हो और चाहे दिव्यांग एवं कुष्ठा अवस्था पेंशन हो, आप जो है बिना किसी ओटीपी के ही अपना पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले पेंशन की इस वाली पोर्टल पे आ जाना है। जैसे कि मैंने इस पोर्टल का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर के इस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो सकते हैं। जैसा दोस्तों ये वेबसाइट जो है अभी कुछ दिन पहले नहीं चल रही थी, नहीं ओपन हो रहा था, तो अब जो है ये वेबसाइट ओपन होना स्टार्ट हो चुका है, ओपन हो रहा है। तो आपको किस तरह से चेक करना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा सबसे पहला ऑप्शन स्कीम चुने, तो आपको सिंपली सेलेक्ट पे क्लिक करना है और इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका तीनों पेंशन का नाम शो होके आ जाएगा, वृद्धावस्था पेंशन और निराश्रित महिला पेंशन और विकलांग पेंशन। तो आपका जो भी पेंशन हो अपना पेंशन यहाँ से सिंपली चूज करिएगा, उस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पर लिखा होगा जनपद चुने, तो आपको सिंपली सेलेक्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद में आपका जो भी जनपद होगा, आपका जो भी जिला होगा, यहाँ से अपना जिला यहाँ से सिंपली सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पर लिखा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर सिंपली आपको फिल कर देना है। और रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करने के बाद में इस कैप्चा कोड को यहाँ पर सिंपली फिल कर देना है। आपके मोबाइल में जो भी कैप्चा कोड शो हो रहा होगा आपको उस कैप्चा कोड को यहाँ पर सिंपली एंटर करके आपको सिंपली सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप सर्च वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका आवेदन का स्थिति, यहाँ पर आपका स्टेटस यहाँ पर पूरा डिटेल में शो हो के आ जाएगा। आप यहाँ पर अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं, जैसा कि आपका पूरा डिटेल, आपका फोटो वगैरह यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पर शो हो के आ जाएगा। अब दोस्तों आपको चेक करना है कि आपका पेंशन अभी तक बन गया कि नहीं बना है। जैसा कि ऊपर सबसे यहाँ पर लिखा होगा लेवल 1 से लेकर के लेवल 4 तक का यहाँ पर ऑप्शन शो होके आ रहा होगा और लेवल 1 में जो है जब आपका एप्लीकेशन जो है अप्लाई होता है तो यहाँ पर लेवल 1 शो होके आ ही जाता है और यहाँ पर डेट भी लिख के आ जाता है। और लेवल 2 में जो है जब वीडियो और SDM साहब जो है वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पर नीचे डेट भी लिख के आ जाता है, फॉरवर्ड डेट लिख के आ जाता है, अपलोड डेट यहाँ पर लिख के आ जाता है। और उसके बाद में जब SDM फॉरवर्ड कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेवल 3 में आ जाता है। अब यहाँ पर आपका फॉर्म जो है चेक किया जाता है अच्छी तरीके से कि आपका फॉर्म जो है अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा होगा अप्रूव्ड या रिजेक्ट बाई DWO यहाँ पर लिखा होगा ना, तो अगर आपका फॉर्म क्लियरली सही होगा, सब कुछ मैच होगा, सब कुछ एकदम जानकारी सही होगी, तो यहाँ पर जो है DWO जो है ऑफिसर जो है यहाँ से फॉरवर्ड कर देंगे, आपको जो है फाइनल वेरीफाइड कर देंगे और उसके बाद में तब आपका जो है फॉर्म जो है यहाँ पर चला जाएगा रीवेरीफिकेशन में। अब यहाँ पर आपका अकाउंट यहाँ पर रीवेरीफिकेशन किया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा होगा रीवेरीफाइड बाई DWO। तो जो है जब रीवेरीफाइड कर देंगे DWO ऑफिसर जो है यहाँ से वेरीफाई कर देंगे तो यहाँ पर नीचे डेट भी लिख के आ जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर नीचे लिख के आ जाएगा PFMS अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस में। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक्सेप्टेड का ऑप्शन शो होके आ रहा होगा ना, अगर आपका जो है यहाँ पर एक्सेप्टेड का ऑप्शन शो होके आ चुका होगा तो आप समझ जाइएगा कि आपका पेंशन जो है बन चुका है। यहाँ पर स्टेटस में जो है PFMS स्टेटस यहाँ पर एक्सेप्टेड लिख के आ चुका है और यहाँ पर अगर रिजेक्टेड आ चुका होगा तब तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया होगा। और दोस्तों ये वाला ऑप्शन आपका मान लीजिए सब कुछ क्लियर सही होगा और आपका पेंशन का पैसा अगर आना स्टार्ट हो चुका होगा तो यहाँ पर आवेदक को भुगतान का विवरण में आप देखेंगे, जैसा कि यहाँ पर नीचे आपका पूरा ट्रांजेक्शन वगैरह यहाँ पर लिख के आ चुका होगा, जैसा कि प्रथम त्रैमासिक और द्वितीय त्रैमासिक और तृतीय त्रैमासिक और चतुर्थ त्रैमासिक यहाँ पर लिखा होगा और यहाँ पर बैंक का नाम भी लिखा होगा, किस बैंक में जो है आपका पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है और यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर भी लिख के आ रहा होगा और कितना पेंशन का पैसा आपके खाते में जा रहा होगा, यहाँ पर आपका पेंशन का पैसा भी शो हो के आ रहा होगा। तो दोस्तों इसी तरह से जो है आप अपना पेंशन का स्टेटस बहुत ही आसानी तरीके से बिना किसी ओटीपी के चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इस स्थिति को आप जो है डाउनलोड भी करना चाहते हैं, इसको प्रिंट भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन भी शो हो के आ रहा होगा, तो आपको सिंपली प्रिंट पे क्लिक करना है और इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है प्रिंट करने के लिए कुछ इस तरह का ऑप्शन शो हो के आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि पेंशन का स्टेटस किस तरह से चेक किया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए ऐसी वीडियो हमेशा बना के लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।